Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is very helpful for all of you and important for all of you if you are from 22 to 2019 batch. One of the most important point, yesterday so many candidates got the mail from Infosys team that is related to the new joining date. So क्या ये नई joining date glitch है या ये जो new joining update आ रहा है इससे related कोई important update है या फिर ये जो न्यू अपडेट मैंने लिख रखा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है और ज्वाइनिंग आपकी क्यों डिले हो रही है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट अपडेट्स से रिलेटेड। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंड कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए बात करते हैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि मैं आपको आज समझाता हूँ। ये बिल्कुल नया वे है वीडियो बनाने का, आज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब पिछले साल मैं खुद NFTQ एग्ज़ाम से सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, जब मतलब इन्फोसिस में 2 से 3 एग्ज़ाम होती है, एक NFTQ होती है, एक हैक विथ इन्फी होती है और एक सिस्टम इंजीनियर की हायरिंग होती है, और जो DSE और SP रोल के लिए हायरिंग होती है वो भी कंसिडर होती है एज अ हैक विथ इन्फी एंड NFTQ। बट बात करते हैं कि जब मेरी ज्वाइनिंग आई थी तो जो कैंडिडेट्स SE के लिए सिलेक्ट हुए थे बाद में, ठीक है, मतलब मेरी तो हायरिंग जो थी वो मेरी थर्ड ईयर में ही मेरा टेस्ट हो गया था, ठीक है, और कोविड की वजह से फोर्थ ईयर तक प्रोसेस चली थी, नहीं तो थर्ड ईयर में ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं NFTQ एग्जाम में। ये ट्रेंड था कुछ पिछले सालों में, ठीक है, पर क्या हुआ था बताए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जनवरी में एग्जाम दी फोर्थ ईयर में और उनकी जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त में आ गई, पर मेरी खुद की ज्वाइनिंग जो है वो सेप्टेम्बर में आई थी। पहले मुझे अगस्त का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद सेप्टेम्बर का, तो क्यों मेरी ज्वाइनिंग डिले हुई? देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ों का रीज़न एक ही है, वो ये है बिजनेस रिक्वायरमेंट। मतलब आप एक बात समझिए, क्या होता है, ये MNC होती है, ठीक है, MNC के अंदर क्या होती है, स्ट्रीम्स होती है। अब स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग आपकी बैचेस डिवाइड की जाती है, जैसे मान लीजिए आप बैच 1 से हैं, बैच 2 से हैं, या बैच 3 से हैं, या बैच 4 से हैं, ठीक है, मान लिया ये सारी चारों बैचेस हैं, तो बैचेस के अकॉर्डिंग फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। अब बात करते हैं कि जो इन्फोसिस का 22 से 19 बैच के बीच में अगर आप वेट कर रहे हैं, आपने हायरिंग की एग्जाम दी थी और आपको नया ज्वाइनिंग का अपडेट आया है, तो क्या ये ग्लिच है? सबसे पहली बात, ये ग्लिच नहीं है। इसका रीजन मैं खुद बताता हूँ आपको। अगर ये ग्लिच होता तो क्या इन्फोसिस टीम जो है वो ऑफर लेटर का मेल भेज देते? मतलब एक बात ध्यान से समझिए कि अगर ये ग्लिच होता तो आपकी जो दूसरी डिटेल्स हैं या फिर आपको कोई जो दूसरा मेल है, क्या वो ग्लिच के अकॉर्डिंग ही आते हैं? तो पहली बात, ये कोई ग्लिच नहीं है, ये बिल्कुल रियल है, रियल इन्फोसिस टीम की तरफ से मेल भेजा गया है कैंडिडेट्स को। और हाँ, इसमें ट्रुथ है कि ज्वाइनिंग जो है वो डिले हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिसेशन चल रहा है, पर एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स वो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर से अक्टूबर के बीच में ही करवाने वाले हैं, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि धीरे धीरे कंपनी कैंडिडेट्स को मतलब जो उन्होंने हायरिंग करी उसके बाद अब वो प्रोसेस करेंगे, सारी चीज़ें होगी, तो ये सारी चीज़ें ये ज्वाइनिंग डिले का है। पर ज्वाइनिंग डिले से आपको घबराना नहीं है, ज्वाइनिंग तो आ ही गई है, पर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, वो ये आ रहा है कमेंट सेक्शन में। मैंने कल एक कमेंट देखा था, उन्होंने मुझे बताया, कैंडिडेट ने ये लिखा था कि मेरा न्यू ऑफर लेटर आया है, ठीक है, मेरा न्यू ऑफर लेटर आया था जो सितंबर का था वो अक्टूबर में आया है, तो वो जो अक्टूबर की ज्वाइनिंग डेट है जैसे 24 है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया और मेरे लॉन्च पैड में, ठीक है, मेरे लॉन्च पैड में एकदम से इमीडिएट चेंज आ गया, मतलब लॉन्च पैड में सब कुछ बदल गया। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो लॉन्च पैड की डिटेल्स भी चेंज होने वाली है। और न्यू ज्वाइनिंग का अपडेट एक ही है, मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्फोसिस टीम ने आपको लॉन्च पैड की मतलब आपको ज्वाइनिंग की डिटेल्स भेजी है, तो इसका क्या ये मतलब है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी लॉन्च पैड पे डेट अपडेट नहीं होगी? नहीं, आपको जो इन्फोसिस टीम ने न्यू ज्वाइनिंग डेट दी है उसमें ही मोस्ट प्रोबेबली आपके ज्वाइनिंग होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर एक ही चीज कहूंगा, ये फोर्थ वाले पॉइंट से डरना नहीं है, डर के कुछ नहीं होगा, अभी वेट कीजिए, क्योंकि देखिए अभी एक प्रोसेस चल रही है, आपको लॉन्च पैड के फॉर्म फिल करने को बोला है, सारी चीजें फिल करने को बोली, वो फिल कर दीजिए, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। बाकी ये जो ज्वाइनिंग डिले है इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ज्वाइनिंग आप सभी की आ रही है,
थोड़ा मतलब थोड़े दिन शिफ्ट हो गई है आगे, कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है। तो फेक न्यूज से बचें, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को मैं खुद देख रहा था, वो मतलब वहां पर ऐसी न्यूज मेंशन होती है। मैं मतलब प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब टेलीग्राम ग्रुप्स, तो टेलीग्राम ग्रुप्स पे ये होता है ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। एमएनसी में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, बट जब आपकी फाइनली ज्वाइनिंग होगी आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने एक इतनी मेहनत करी, एफर्ट्स लगाए तो आज मेरी ज्वाइनिंग हुई है। वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन लर्निंग चैनल को मोर अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।